रूस यूक्रेन जंग भयानक शक्ल इख्तियार कर गई है। यूक्रेन में रूस के हमलों के नतीजे में अब तक 2000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। पहले दिन से रूस दारुल हुकूमत कीव पर हमले जारी रखे हुए है। दारुल हुकूमत कीव के करीब गांव खंडर बन चुके हैं। रिहायशी इलाकों में रूस की बमबारी जारी है। एक हफ्ते के दौरान रूस ने यूक्रेन पर 500 से ज्यादा मिसाइल दागे, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। उधर अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया ने यूक्रेन पर रूस के हमलों के नतीजे में रूस पर मजीद पाबंदियां आयद करने के अजम को दोहराया। रूस ने मगरबी पाबंदियों के रद्द अमल में यूरोप को कुदरती गैस की फराहमी रोकने की धमकी दी। प्यूटिन ने तस्लीम किया है कि मगरबी पाबंदियों ने मसाइल पैदा कर दिए हैं। इस वक्त रूस माशी बहरान में है। दुनिया के ममालिक के कर्जों और उनके वसाइल के मुतालिक रेटिंग्स जारी करने वाली बड़ी कंपनी फिच रेटिंग्स ने खबरदार किया है कि रूस जल्द अपने कर्जों के बायस दिवालिया हो सकता है। अपने वीडियो खिताब में यूक्रेनी सदर वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो जंग जीतने तक कीव में ही रहेंगे। यूक्रेन के सदर ने रूस के दो अहम मुतालबात मानने का फैसला भी कर लिया है और रूसी सदर से मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखने पर जोर दिया है। दो अहम मुतालबात में से एक मुतालबा ये भी है कि वो फौजी इत्तेहाद नेटो में शमूलियत का मजीद मुतालबा नहीं करेंगे। यूक्रेनी हुकाम ने नेटो से नो फ्लाई जोन का मुतालबा किया था, लेकिन नेटो के रहनुमाओं ने नो फ्लाई जोन के नफाज से इनकार किया है। उनका कहना है कि नेटो इत्तेहादियों के तौर पर हमारी जिम्मेदारी है कि इस जंग को यूक्रेन से आगे बढ़ने से रोकें, और मजीद कहा कि यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन बनाने के लिए नेटो के लड़ाका तैयारों की तैनाती और मुमकिन तौर पर रूसी तैयारों को मार गिराने की ज़रूरत होगी। ये यूरोप में मुकम्मल जंग का बायस बन सकता है। लिहाजा हमने वाजे कर दिया है कि हम यूक्रेन में जाने वाले नहीं हैं, ना ज़मीन पर और ना ही यूक्रेन की फिजाई हदूद में। रूस के सदर प्यूटिन ने गुज़िश्ता माह हमले का ऐलान करते हुए दूसरे ममालिक को मुदाखलत के खिलाफ खबरदार किया है। दोनों ममालिक के दरमियान जंग जारी है। रूस यूक्रेन जंग को 15 दिन गुजर चुके हैं। यूक्रेन में हजारों अफराद बिजली से महरूम हैं और यूक्रेन के साहली शहर मारियोपोल में खुराक और पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। रूस यूक्रेन के दरमियान अमन मुज़ाकरात का तीसरा दौर मामूली मुआहदे के बाद ख़त्म हो गया। अपनी कीमती राय से हमें आगाह करते रहा कीजिए। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहता है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो।